वेलकम करते हैं मिडनाइट हॉरर स्टोरीज में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आई होप मेरी आवाज़ लाउड एंड क्लियर आ रही होगी आप लोग तक। थैंक यू सो मच जालिमा। रॉय ने ज्वाइन किया होंगे पर हम सुन नहीं पा रहे। ओह आई एम सॉरी यार, क्यों नहीं सुन पा रहे यार? बाकी सब तो सुन रहे हैं। ब्रावो हमारे साथ, इनको वेलकम करते हैं। ये आप अच्छा, और जालिमा ने हमें वेलकम किया, थैंक यू। हसल हमारे साथ हैं, प्रेम रेडियो ऑफ, काफ़ी रात हो गई है, प्रेम को डर लग रहा है, कोस ने हमें ज्वाइन किया, इनको वेलकम करते हैं। एंड तमाम लोगों को, आप सबको मैं सबसे पहले बेहद शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो लोग हमसे YouTube पर आकर अपनी स्टोरी शेयर करते हैं। हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारी डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी चीज़ें मौजूद हैं, WhatsApp का चैनल है और साथ में ईमेल है, आप वहाँ पर हमें अपनी स्टोरी सेंड कर सकते हैं ऑडियो वॉइस में भी, और साथ में आप लोग हमें ईमेल भी कर सकते हैं लिखकर अपनी स्टोरीज, और अगर आप लोग चाहें आपका नाम ना आए तो वो भी हम नहीं लेंगे। ब्रावो, थैंक यू सो मच फॉर द हग्स एंड वेलकम ऑन UML। थैंक यू सो मच मेरे जितने सुनने वाले हैं यहाँ पे, आप सबका बेहद शुक्रिया कि आप लोग स्टोरीज सुनने आते हैं और हमसे शेयर करते हैं, हमें अच्छा लगता है। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और साथ में हमसे स्टोरीज भी शेयर किया करें। तो जनाब, इसके अलावा IJS मैन ने ज्वाइन किया, सितारा हमारे साथ हैं, इनको वेलकम करते हैं, हसल को वेलकम कहते हैं, मिश्रा को वेलकम करते हैं, एंड चार्ली ने ज्वाइन किया, चार्ली को वेलकम करते हैं, और रॉय को आई होप आवाज़ आ गई होगी। एंड जितने नाम हैं, साइलेंट सोल भी जो है वो गोज बन गई हैं, इनको वेलकम करते हैं। जॉम्बी भी हमारे साथ, इनको वेलकम करते हैं। मिस बारिश ने ज्वाइन कर लिया है, मुबारक को बहुत बहुत, आपको भी वेलकम करते हैं। और चाहत ने भी जो है वो ज्वाइन किया, इनको वेलकम करते हैं। आरजे भूत की इंतहाई ड्रोनी कहानी बताएं। एक्चुअली हम डराने नहीं आते, हमारा मकसद हॉरर शो का एक दूसरे को अवेयर करना है इन सिचुएशन से जो आप लोगों के साथ कभी पेश आई हों तो उस वक्त हमें क्या करना होता है ये किसी के को समझ नहीं आता है, तो ये हॉरर स्टोरीज उसमें काफ़ी हेल्प करती हैं। मिस बारिश ने ज्वाइन किया, आज रूम ज्वाइन नहीं हो रहा। मिस बारिश, आपने क्या किया था? आपने बहुत सारी दफ़ा जो है ना लॉग इन करने की कोशिश की थी, इसलिए सिक्योरिटी के बेसिस पर उसने आपका ID पासवर्ड लॉक कर दिया था। अब आपने थोड़ी देर बाद ज्वाइन किया तो आपको वेलकम कहते हैं। अतीक भाई, वालेकुम अस्सलाम, वेलकम करते हैं। हैव अ सीट एवरीवन। रॉय, थैंक यू सो मच, आपने भी ज्वाइन किया। गोस आरजे ब्रावो ने कहा था ये स्टोरी सुनाते हैं, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, ब्रावो ने सही कहा था आपसे, ब्रावो ने सुना है इसलिए ब्रावो को पता है। तो जनाब चलते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, हम अपनी स्टोरीज की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि टाइम कम है। ऐसा ही है, मिस बारिश कह रही हैं, हाँ मैंने आपको बता दिया था। तो अब मैं चलता हूँ स्टोरीज की तरफ, आप लोग सुनते रहिएगा। अगर आप लोगों के पास कोई भी क्वेश्चंस हो तो PM तो नहीं कर सकते, लेकिन इसको कोशिश करिएगा, उसको याद रख लीजिएगा। तो जब स्टोरी ख़त्म करूँगा तो आप लोगों की मेन चैट चेक करूँगा तो आप लोगों को बताऊँगा। आप अगर आप रियल स्टोरी सुनाते हैं फिर ना सुन, फिर नहीं सुन सकती। मैं रियल स्टोरी सुनाता हूँ अपनी तरफ से, क्यों बनाऊँगा मैं कोई स्टोरी? इतना टाइम है आपको लगता है मेरे पास? होप ने ज्वाइन किया, इनको वेलकम करते हैं हमारे साथ। और सारे ओल्ड यूज़र आ गए हैं जी बिल्कुल, और मैं जाता हूँ स्टोरी की तरफ, हमारे साथ रहेगा। और अगर आप लोगों को डर लग रहा हो पहले तो अपनी अपनी हैंड फ्रीज अपने कानों में लगा लें और स्पीकर के का वॉल्यूम को भी थोड़ा स्लो कर लें अगर स्पीकर में सुन रहे हैं, और अगर डर लग रहा है तो अपने अपने कमरों की लाइट्स ऑन कर लें, विंडो और डोर्स बंद कर लें ताकि आपको डर ना लगे। चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। हेलो हेलो, चेकिंग 1 2 3, हेलो ओके। आज की स्टोरी है फूड डिलीवरी के हवाले से। इस स्टोरी में बताया गया है कि कैसे एक पिज्ज़ा बॉय जो है वो डिलीवरी करते वक्त काफ़ी परेशान हो गया था जब वो एक अजीब से कस्टमर से मिला। तो चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। अगर कहा जाए तो ये डिलीवरी मेरी इस रात की आखिरी डिलीवरी होनी चाहिए थी खाने की। मैं उस पिज़्ज़ा शॉप पर काम कर रहा था जिसे हैवा बाइट कहते हैं। मेरे बॉसेस में से एक जो मेरे साथ बेतकल्लुफ थे, मेरे साथ रात की शिफ्ट पर मौजूद थे, तो बॉस ही सेलेक्ट करते थे कि कौन बंदा कौन से डिलीवरी करेगा या कौन से एड्रेस पर पिज्जा देने जाएगा। हमें ऑर्डर मिला कुछ एक दो रेगुलर पिज्जों का। बॉस ने मुझे एक कागज का टुकड़ा दिया जिस पर एड्रेस और कस्टमर का फोन नंबर लिखा हुआ था। ये 2009 में था, मेरे पास GPS वाला सेलफोन नहीं था जिससे मैं मैप ऑन कर सकता, बस एक सिंपल प्लेट जैसा सेलफोन था जिसे जैसे कि नोकिया का फ्लिप जैसे फ़ोन कह लें, जिस पर जब कॉल आती थी तो कवर खोलकर बात कर सकते थे। डिलीवरी करते वक्त मुझे अपना रास्ता तलाश करने के लिए नक्शों की पुरानी स्कूल की किताब का इस्तेमाल करना पड़ा था।
और अक्सर मैं उसी का यूज़ किया करता था जब भी मैं डिलीवरीज देने जाता था। उस गली का नाम जिसके लिए मैं उस घर की आखिरी डिलीवरी कर रहा था वो नॉर्थ नाज़ोबाद के रोड सखी हसन की तरफ जैसी कुछ थी। मुझे उस कस्टमर का घर का नंबर याद नहीं था और ना ही मुझे ऑर्डर किसके लिए दिया गया है उसका नाम याद था, लेकिन मुझे याद है कि वो घर तलाश करने में सबसे ज़्यादा मुश्किल वक्त गुजरा था। ये वाकया उस इलाके में था जहाँ पर कुछ जंगल नुमा गलियाँ थीं, दरख्त थे, कुछ घर थे और एक कब्रिस्तान था। स्ट्रीट लाइट्स की बत्तियाँ जो कि हल्की हल्की जल रही थीं वो भी हेल्प नहीं कर रही थीं उस घर को ढूंढने में। रास्ते में स्पीड ब्रेकर भी काफ़ी आ रहे थे और मुझे बार बार अपनी गाड़ी के अंदर वाली लाइट ऑन करके नक्शा चेक करना पड़ रहा था जो मेरे हाथ में था एड्रेस ढूंढते हुए। जब भी मुझे कोई घर नहीं मिलता था तो मुझे ज़्यादा टेंशन होती थी क्योंकि गाड़ी में रखा हुआ पिज़्ज़ा ठंडा हो रहा था और मुझे मुश्किल पेश आ रही होती थी घर को ढूंढने में कि कहीं कस्टमर नाराज ना हो जाए। मैं एक बहुत ही खामोश, अंधेरी और मैं एक बहुत ही खामोश और अंधेरी और ना समझ में आने वाली रोड पर था जब मैंने फैसला किया कि मैं उस नंबर पर कॉल करूं जो मेरे बॉस ने मुझे पेपर पर लिख कर दिया था उस कस्टमर का। आप लोगों ने मेरे फ़ोन की रिंग बेल भी सुनी होगी। फ़ोन पर बेल जाती रही काफ़ी बार ट्राई करने पर भी, और ना ही उस फ़ोन पर कोई और डाइवर्ट लगा हुआ था कि मैं किसी और को बताता कि आपके रिश्तेदार का पिज़्ज़ा रेडी है। मुस्तकिल कोई 10 बार बेल गई होगी उस कस्टमर के फ़ोन पर। उसके बाद जाकर उसने फ़ोन उठाया और मैं इंतज़ार कर रहा था कि उस तरफ से फ़ोन पर कोई हेलो कहेगा। जब किसी ने कुछ नहीं कहा तो मैंने कहा हेलो, और फिर दूसरी तरफ से आवाज़ आई हेलो जी। वो आवाज़ बहुत ही हल्की, गहरी और नरम सी आवाज़ थी। मैंने कहा मैं पिज़्ज़ा बॉय हूँ और मुझे काफ़ी मुश्किल हो रही है आपका घर ढूंढने में। उसने कहा मेरे घर का रास्ता तो आसान है और वो कच्चे रास्ते की तरफ है मेरा घर। वो बहुत ही हल्की आवाज़ में अपनी बात को मुझे समझा रहा था कि मैं घर के आसपास उसके क्या है, क्या मौजूद है ताकि मुझे मदद मिल सके उसको पिज़्ज़ा पहुंचाने में और उसके घर को ढूंढने में। और आखिरकार मैंने ढूंढ ही लिया उसका घर। मैंने अपनी गाड़ी उस कच्चे रास्ते पर चला दी जो थोड़ा गंदा और कच्चा सा था और रोड काफ़ी तंग थी जो उसके घर की तरफ जा रही थी, जिसको याद करना इतना आसान नहीं था। मुझे कोई 30 सेकंड लगे उस कच्चे रास्ते पर गाड़ी स्लो चलाते हुए क्योंकि पानी और कच्चा रास्ता था, तो मैं गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चला रहा था एहतियात करते हुए उसके घर तक पहुंचने के लिए, जब तक मैंने नहीं देख लिया कि एक छोटा सा सिंगल स्टोरी घर मेरी नज़रों के सामने आ गया। उस घर के अंदर से एक कीनू के कलर जैसी नारंगी रोशनी नज़र आ रही थी और उस घर की एक खिड़की से जो कि बाहर की तरफ वो रोशनी आ रही थी। मैं अपनी गाड़ी एक पिकअप ट्रक के बराबर में पार्क की जो कि काफ़ी पुराना लग रहा था। मैंने गाड़ी के पैसेंजर वाली सीट से 2 पिज़्ज़े पकड़े और उस घर के सामने वाले मेन डोर की तरफ चल दिया। मैं डोर बेल को ढूंढ रहा था जो कि मुझे मिल नहीं रही थी कि मैं बजा सकूं, तो मैंने घर के दरवाजे को खटखटाया। मैंने सुना मुझे अंदर से अजीब म्यूज़िक सुनाई दे रहा था जो कि सुनने में खामोशी वाला और समझने में मुश्किल और गंभीर था। और फिर मैंने सुनने की कुछ कदम जो हैं दरवाजे की तरफ आ रहे हैं अंदर से, मुझे इसकी आवाज़ भी सुनाई दी दरवाज़ा खोलने के लिए, और फिर वो अचानक से रुक गए। फिर तकरीबन 10 सेकंड्स के बाद दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई देने लगी और वो खुल गया। मैंने किसी का थोड़ा सा हिस्सा देखा उसके चेहरे का। मैंने काफ़ी मुश्किल से कोई उसकी एक आंख देखी उस चेहरे की जो कि झांक कर मुझे देख रही थी दरवाजे के पीछे से कि मैं बाहर पिज़्ज़ा लिए खड़ा हूँ। मैं नर्वस हो रहा था और मैंने घबराते हुए कहा हे आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है ना? तो उसने कहा हाँ सही कहा, पिज़्ज़ा ही ऑर्डर किया था। मैंने वही आवाज़ पहचानी जो मैंने फ़ोन कॉल पर सुनी थी पहले, और मैं पहचान गया था कि ये वही आवाज़ है। फिर थोड़ी देर के लिए एक अजीब सा वक्फा आ गया बीच में।
मुझे समझ नहीं आ रहा था और क्या कहना है उस कस्टमर से, सिवाय इसके कि आपके पास कैश है। उसने कहा, हाँ मेरे पास है, मुझे जाने दो, मैं लेकर आता हूँ। वो दरवाजे के पास से चला गया कैश लेने के लिए, और मैंने सुना उसके कदम दूसरे रूम की तरफ जा रहे थे, और वहाँ पर कोई बहुत ही पुराना म्यूजिक चल रहा था उस घर में, जो कि शायद 1950 सदी का था, जो कि माहौल बना रहा था कुछ डरावना अजीब सा उस घर का, जबकि ये पहले मुझे सुनने में इतना डरावना नहीं लग रहा था, शायद दूर था इस वजह से। फिर अचानक से दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद खुलना शुरू हो गया, और मुझे दिखता चला गया ज़्यादा से ज़्यादा उस रूम के अंदर की हल्की रोशनी वाला माहौल और कुछ चीज़ें। सारी चीज़ें इस घर की अंदर की मुझे काफ़ी पुरानी लग रही थी। फ्लोर पर मेटल की शीट्स बिछी हुई थी, जो कि शायद ज़्यादातर ज़मीन के सुराखों को कवर करने के लिए डाली गई थी, क्योंकि फ्लोर पुराना हो चुका था और डैमेज था इसलिए। और जो काउच था वो मुझे देखने में दूसरी सदी का लग रहा था, और साथ में फर्नीचर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई टूटा फूटा कहीं से उठाया हो। और म्यूजिक तो ऐसे आ रहा था जैसे कोई बहुत ही पुराने सिंगर ने रिकॉर्ड बनाया हो जब उसने ये म्यूजिक बनाया हो, और एक जगह पर कोई बड़ा सा एक बारह सिंगा जैसे सींग लगे हुए थे दीवार पर ऊपर की तरफ, जैसे एनिमल्स का लोग स्टैचू दीवार पर लगाते हैं। बस यही सब कुछ मैं देख पाया। मैं उस डोर के ओपन होते हुए चुपके से अंदर झांक कर ये सब देख रहा था, बट एक चीज़ थी जो बर्दाश्त से बाहर हो रही थी, और वो थी वहाँ की बदबू। और ऐसा लग रहा था जैसे उस घर में किसी के मरने के बाद बदबू जो आती है वो आ रही थी। मैं इंतज़ार करता रहा उस कस्टमर का इज्जत के साथ कि वो पैसे लेकर आएगा जिसके लिए वो जहाँ भी गया था। जब कुछ वक्त गुजरा तो मुझे ये लगने लगा कि ये सब अजीब हो रहा है, और मैंने खुले हुए दरवाजे को दोबारा बजाया, अंदर झांका और कहा, कहाँ रह गए हैं आप सर? तो उस आदमी की आवाज़ दूसरे रूम से बाहर आई, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मेरे किचन तक आ सकते हो प्लीज? मेरे से जो साथ काम करने वाले पिज़्ज़ा ऑफिस में थे या जो मेरे बॉसेस थे, वो मुझे हमेशा मशवरा देते थे कि किसी के घर के अंदर ना जाना और ना ही कदम रखना अंदर, और सीधा पिज़्ज़ा देकर वापस आ जाया करो, यही सेफ रहता है। और मुझे हालात में भी वही मशवरा, इन हालात में मुझे वही मशवरा याद आ रहा था कि इस घर के केस पर, कि वो मुझे अंदर किचन में बुला रहा था और मैं वही मशवरे याद कर रहा था जो मुझे ऑफिसर्स की तरफ से मिले थे। मैंने सुना था कि उस आदमी ने क्या कहा था, लेकिन मैंने फिर से कहा कि क्या आप दोबारा बोल सकते हैं आप क्या कह रहे हैं? उसने दोबारा कहा कि क्या आप मेरे किचन में आ सकते हो प्लीज़? ये सुनकर खैर मैं अंदर दाखिल हो गया, और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरे कदम अभी इस फ्लोर पर टूट जाएंगे, क्योंकि वो काफ़ी पुराना हो चुका था। ये जगह काफ़ी पुरानी लग रही थी और फ्लोर अंदर की तरफ धंस चुका था। जैसे ही मैंने कदम रखा, मैंने सीधे हाथ की तरफ देखा जहाँ से किचन में जाने का रास्ता था, जहाँ से उस आदमी की आवाज़ आ रही थी। फिर मैंने उल्टे हाथ की तरफ देखा जहाँ पर एक हॉल था, काफ़ी करीब बना हुआ था, उसका रास्ता जा रहा था जिसके दो दरवाजे थे उसके सीधे हाथ की तरफ। और उस हॉल के रास्ते के आखिर में वो आदमी खड़ा था अपनी पीठ मेरी तरफ करके, और आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही डरावने तरीके से डांस कर रहा था अपने आप को महसूस करते हुए। मेरा ये मतलब नहीं है कि उसको अपने आप पर कॉन्फिडेंट था या वो होश में था, मेरा कहने का मतलब यही है कि वो अपनी बॉडी को महसूस कर पा रहा था जहाँ जहाँ वो उसको डांस के लिए मूव कर रहा था अजीब रोने तरीके से। किसी और सूरत में मैं हंस सकता था, मगर मैं काफ़ी डिस्टर्ब हो गया कि मैं ये किस घर के अंदर आ गया हूँ पिज़्ज़ा देने। मैंने मुंह मोड़ लिया अपना और किचन की तरफ देखा, अभी भी वो दो पिज़्ज़ा बॉक्सेस अपने हाथ में पकड़े हुए था मैं। मैंने कुछ कदम किचन की तरफ बढ़ाए इससे पहले कि मैं ये जान पाता कि एक आदमी मुझे कमरे से किचन की तरफ दीवार के पीछे से झांक कर देख रहा है। ये उसी आदमी का चेहरा था जो अपना थोड़ा सा चेहरा निकाल कर मुझे देख रहा था और खुद को छुपा रहा था,
जब उसने दरवाजा खोला था, बस वही एक आंख उसकी खौफनाक तरीके से मुझे झांक कर देख रही थी। मैं कांप सा गया। इन लम्हों में मुझे एक ही सोच आई जहन में कि व्हाट द हेल, क्या मैं चला जाऊं वापस? मैंने वही दोबारा दोहराया जो मैंने जब फ्रंट डोर खटखटाया था उस वक्त कहा था। फिर दोबारा उससे कि क्या आपके पास कैश है? उसने मुझे कोई रिस्पॉन्ड या कोई जवाब नहीं दिया इस बात का, और उसने आहिस्ता से हंसना शुरू कर दिया अंदर ही अंदर मेरे ऊपर। और मैं नहीं जानता था कि क्या कहता उस हंसी को, क्योंकि जो हंसी थी वो काफ़ी गहरी और तेज थी और सुनने में नरम सी थी। फिर उसने चौंका देने वाली ऊंची आवाज़ में किसी पागल आदमी को पुकारा। इसकी पिछली नरम बोलने वाली आवाज़ के मुकाबले में और ज़्यादा बुलंद और ऑर्डर देने वाले लहजे में मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुका था कि आखिर मैं इतनी अजीब चीज़ें देखूंगा या बर्दाश्त करूंगा। मैंने ये सोचा ना था। मैं पीछे मुड़ा और जाने के लिए चलने लगा, चलते हुए फ्रंट डोर की तरफ जहां से मैं वापस अंदर आया था। और जैसे ही मैंने नीचे एक ढलान की तरफ नज़र डाली, जब मैं बाहर जाने ही वाला था, मैंने नोटिस किया कि वो आदमी जो डांस कर रहा था अभी कुछ देर पहले, वो अब वहीं पर आराम से खड़ा हो गया अपनी जगह पर जहां वो डांस कर रहा था, और मुझे पलट कर घूर कर देख रहा है, जैसे कि उसको मेरा बाहर जाना बुरा लग रहा। मैं मेन डोर से बाहर निकला और दरवाजा वापस बंद कर दिया अपनी तरफ। मैं जल्दी से गाड़ी की तरफ जाने लगा। किसी वजह से मैंने अभी तक वो दोनों पिज्जे अपने हाथ में पकड़े हुए थे। मैंने पिज्जा बॉक्सेस वापस पैसेंजर वाली सीट पर रख दिए और वापस गाड़ी में बैठ गया। और जितना जल्दी हो सकता था, जब मैं अपनी गाड़ी को पीछे करने लगा जो कि उस पिकअप ट्रक के बराबर में खड़ी थी जाने के लिए, तो मैंने पीछे की तरफ देखा और गियर चेंज कर रहा था तो आगे की तरफ ले जाने के लिए, तो मैंने पीछे मुड़कर वापस उस घर की तरफ मुड़कर देखा तो वो दरवाज़ा पूरा खुला हुआ था जो मैं बंद करके आया था। तो मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा इस सोच के साथ कि उनमें से कोई एक बाहर है मौजूद गार्डन में मेरी गाड़ी के ऊपर हमला करने के लिए, या उसके डोर को खोलने के लिए, या वो कहीं भी छुप सकते हैं जो शायद मैं नहीं जानता। मगर किसी तरीके से मैंने अपनी गाड़ी उसी तंग गंदे कच्चे रास्ते से निकालने में कामयाब हो गया और वापस रोड पर आ गया। मुझे वापस हैव अ बाइट जाना था और मैंने अपने बॉस को कॉल किया ये बताने के लिए कि मेरे साथ क्या हुआ है। वो ज़्यादा गुस्सा नहीं हुए मेरे ऊपर। जब मैं वापस पिज़्ज़ा लेकर हैव अ बाइट आया तो सब जा चुके थे वापस। वहाँ से जब मैंने उनको बताया कि मेरे साथ क्या हुआ है, मैं ये बहुत ईमानदारी के साथ देख पा रहा था कि ये सब कुछ उन लोगों के लिए मजाक कैसे हो सकता है। जब मैं उनको अपनी स्टोरी सुना रहा था, वो इस चीज़ को मजाक समझ रहे थे और वो लोग ये सुनकर पिज़्ज़ा प्लेस से जा चुके हैं। लेकिन वो वाकया कोई मजाक नहीं था। उस घर में जो भी कुछ हुआ वो चीज़ें नॉर्मल नहीं थी, और मुझे यही फील हो चुका था कि उस घर में उन लोगों की ऐसी कोई नीयत नहीं थी कि वो पिज़्ज़ा ऑर्डर करना चाहते थे, बल्कि शायद नीयत कुछ और थी। मुझे कुछ दिनों तक ख्वाब आते रहे उस आदमी के चेहरे के, जब वो मुझे छुपकर घूर कर एक आंख से देखता था दीवार के पीछे से या दरवाजे के पीछे से। उसके बाद से मैंने किसी भी घर की या अपार्टमेंट की कॉल का आंसर नहीं किया इतनी रात को पिज़्ज़ा डिलीवर करने के लिए। रात भर यही सोचता रहा कि अगर कुछ देर तक मैं उस घर में और रुक जाता तो शायद वो मेरे पिज़्ज़ा की आखिरी डिलीवरी होती। वेलकम करते हैं हॉरर स्टोरीज विद आरजे वोर्टेक्स ओनली ऑन उर्दू मजल लॉबी। एलियोनोरा ने ज्वाइन किया, इनको वेलकम करेंगे। मिस बारिश करिए, आरजे आपका शो सुन के मुझे जिनसे दोस्ती करने की विश दिल में आ गई है, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो इस बात पे। अगर आपने मजाक किया है तो समझ में आता है, लेकिन अल्लाह ना करे कि कभी आपका ऐसा कोई सीन हो कि आपकी जिन से दोस्ती हो जाए। लेकिन ये कहानी थोड़ी सी जिन भूतों और चुड़ैलों की नहीं थी। जहाँ तक मुझे इस कहानी को पढ़कर समझ में आ रहा है, वो दो बंदे कोई क्रिमिनल केस था जो अजीब से थे या फिर ड्रोने से थे, जिनको देखकर वो पिज़्ज़ा बॉय डर गया था। थैंक यू सो मच फॉर द केयर, पानी पी लें। मिस बारिश आपका बहुत शुक्रिया, एना और रेस्ट ऑफ द पीपल जो लोग हमारी स्टोरी सुन रहे हैं आपका भी बहुत शुक्रिया हमें सुनने के लिए। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ।
अस्सलाम वालेकुम वोटिक्स भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये कहानी मेरे मामू की है। हम आज़ाद कश्मीर रावला कोट के करीब गांव से ताल्लुक़ रखते हैं। शहर से हमारा घर तकरीबन 1 घंटे की दूरी पर है। हमारी जगह बहुत सुनसान और वीरान है। ये बात आज से तकरीबन 4 साल पहले की है कि जब हमारी खाला की शादी थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारा इलाका बहुत सुनसान है और यहाँ घर एक दूसरे से काफ़ी फासले पर होते हैं। हालांकि शादी अक्टूबर के आखिर में थी। सब आसपास के घरों में दावत दे दी गई थी। अब दूर के कुछ घर बाकी थे तो इसकी जिम्मेदारी मामू को दे दी गई थी, जो कि मामू ने पीर की दोपहर 2 बजे अपने दोस्त इकबाल अंकल के साथ दावत देने का प्रोग्राम बनाया। मामू का कहना था कि वो गाड़ी में जाएं, लेकिन इकबाल अंकल के इसरार पर वो इनकी बाइक पर ही गए। रास्ता काफ़ी दुश्वार था और सड़क कच्ची थी, और इसीलिए इनको घर पहुंचते हुए 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लग गया। तकरीबन 3:30 बजे के करीब वो लोग हमारे रिश्तेदारों के घर पहुंच गए, और वहां पहुंचते ही थे कि बारिश होना शुरू हो गई। यानी जैसे ही वो वहां पहुंचे तो बारिश होना स्टार्ट हो गई। रिश्तेदारों ने कहा कि बैठे चाय वगैरह पिए, तब तक शायद बारिश भी थम जाए। लेकिन बारिश तो थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। मगरिब तक मूसलाधार बारिश होती रही। अब बारिश के थमते ही इकबाल अंकल और मामू ने रिश्तेदारों से इजाज़त चाही, पर तब तक उन्होंने खाना तैयार कर लिया था। अब वो लोग खाने के लिए बैठ गए। खाना वगैरह से फारिग होते हुए अब तकरीबन 8 बज चुके थे। अब इन्होंने जाने की इजाज़त मांगी तो रिश्तेदारों ने इनको रोकना चाहा कि रास्ता सुनसान है, आज रात यहीं रुक जाए। लेकिन मामू ने यह कहकर टाल दिया कि शादी वाला घर है, बहुत मसरूफियात हैं, इस वजह से हमारा जाना ज़रूरी है। रिश्तेदारों ने इन्हें यह कहकर रुख्सत किया कि डरना नहीं और अल्लाह का जिक्र करते हुए जाना और पहुँच कर इतला दे देना। रिश्तेदारों ने इस रास्ते के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। इस वजह से इन्होंने उनको एहतियात का मशवरा दिया। मामू और इकबाल अंकल ने इनकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और घर से बाहर निकल गए अपने घर जाने के लिए। सड़क गीली होने की वजह से वो बाइक आहिस्ता आहिस्ता चला रहे थे ताकि स्लिप ना हो जाए। सड़क की दाएं बाएं दोनों तरफ घने दरख्त थे, बड़े बड़े, जो रात को एक खौफनाक जंगल का मंजर पेश कर रहे थे। रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी। बाइक की लाइट के अलावा और कोई दूसरी रोशनी नहीं थी। अब वो लोग मेन रोड के करीब पहुंचने ही लगे थे जब मामू को नीचे पड़े हुए पत्तों पर किसी चीज के चलने की आहट महसूस हुई। मामू ने इस आवाज़ को पहले नज़रअंदाज किया, लेकिन वो आवाज़ उनके साथ साथ चल रही थी और वो इनके करीब से आ रही थी। मामू ने इस बात का जिक्र इकबाल अंकल से नहीं किया कि वो हड़बड़ाकर बाइक न गिरा दें। रास्ता बारिश की वजह से पहले ही भीगा हुआ था और सड़क भी कच्ची थी। थोड़ा सा आगे जाकर इकबाल अंकल ने मामू से बोला, मसूद, तुम्हें भी किसी चीज़ के चलने की आहट महसूस हो रही है? शायद ये कोई जंगल में जंगली जानवर है। मामू ने भी उनकी बात पर हामी भरी और उनसे कहा कि बाइक चलाओ और आयतल कुर्सी का विर्द करते रहो। अब वो दोनों मेन रोड के काफ़ी करीब पहुंच चुके थे। अब उन्हें मेन रोड सामने नज़र आ रही थी। खैर, सफर चलता रहा। इतने में इन्हें सड़क के किनारे एक औरत बैठी दिखाई दी। इकबाल अंकल ने मामू से कहा कि ये यहाँ क्या कर रही है? शायद किसी का इंतज़ार में होगी। इन्हें जंगली जानवरों के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि आगे चलकर मेन रोड पर बैठ जाएं। जैसे ही वो दोनों उस औरत के करीब जाने लगे तो इकबाल अंकल ने उसकी शक्ल पर गौर नहीं किया, लेकिन मामू ने उस औरत का चेहरा देख लिया था, जो बहुत खौफनाक था। मामू ने इकबाल अंकल से कहा कि बाइक चलाओ जल्दी और उसकी तरफ ना देखना। मामू की आवाज़ काफ़ी घबराई हुई थी। मामू ने ये कहते हुए बाआवाज़े बुलंद आयतल कुर्सी का विर्द करना शुरू कर दिया था। इकबाल अंकल ने जल्दी से बाइक की स्पीड बढ़ाई और वो दोनों मेन रोड तक पहुंच गए। मेन रोड पर पहुंचते ही इकबाल अंकल ने पूछा, मसूद, क्या थी वो चीज़? मामू ने कहा, पता नहीं, लेकिन वो इंसान नहीं थी। इकबाल अंकल ने बहुत तेज़ी से बाइक को घर की तरफ भगाना शुरू कर दिया।
बाइक तकरीबन घर से 5 मिनट की दूरी पर थी। मामू ने एक बाल अंकल से कहा कि शुक्र है हम बच गए, और मामू और एक बाल अंकल ने सुकून का सांस लिया। इतने में मामू को अपने पीछे से चीखों की आवाज आई। मामू ने पीछे मुड़कर देखा तो वही औरत इनकी तरफ देख रही थी, और इस बार इसका चेहरा पहले से ज्यादा वाजे था। अब मामू अपने होशो आवाज खो बैठे थे, और इकबाल अंकल जो कि इस चीज से बिल्कुल बेखबर थे, उन्होंने बाइक घर तक पहुंचा दी। घर पहुंचकर जब बाइक रोकी तो इकबाल अंकल ने कहा कि मसूद उतरो। कुछ देर उनका जवाब ना आने पर इकबाल अंकल ने पीछे मुड़कर देखा, मामू का चेहरा जर्द पड़ चुका था और वो बुत बने बैठे हुए थे। इकबाल अंकल ने शोर करके बाकी अफराद को घर से बुलाया। उन्होंने मामू को पकड़कर बाइक से नीचे उतारा। मामू का जिस्म बेजान था। उन्होंने मामू को सहारा देकर बिस्तर तक पहुंचाया। कुछ ही देर बाद मामू को शदीद बुखार ने जकड़ लिया। मामू का बुखार तकरीबन 3 दिन बाद ठीक हुआ। तब उन्होंने अपना ये किस्सा सब घर वालों से बयान किया। मामू की तबीयत ठीक थी तो घर वालों ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। हालांकि शादी भी थी, खैरियत से हो गई थी। खाला की शादी के तीसरे दिन मामू अपने कमरे में बैठे थे, खिड़की खुली थी। तब मामू को अपने कमरे की खिड़की के बाहर किसी के चलने की आहट महसूस हुई। मामू ने अपनी खिड़की से बाहर देखा तो वही औरत खिड़की के बाहर से गुजर रही थी। उसने एक नज़र उठाकर मामू को देखा और आगे बढ़ गई। उसकी शक्ल देखकर मामू को चक्कर सा आ गया और उनके मुंह से बेख्तियार चीख निकली। मामू की चीख सुनते ही सारे के सारे अफराद उनके कमरे में आ गए। मामू बहुत घबराए हुए लग रहे थे। मामू ने हांफते हुए सारा वाकया घर वालों को बताया। अब घर वालों ने यही फैसला किया कि सुबह होते ही मामू को किसी आलिम के पास ले जाएंगे। सुबह जब वो लोग आलिम के पास गए तो आलिम ने मामू पर दम किया और एक तावीज दिया, और ये बताया कि मामू के ऊपर किसी चुड़ैल का साया है। वजह मामू का उसको पीछे पलटकर देखना था। उसके बाद मामू तो ठीक हो गए, लेकिन आज भी कभी कभार रात को उनकी खौफनाक चीखों की आवाजें आती हैं। ये मेरे मामू का एक वाकया था, सोचा आपसे और आपके लिसनर से शेयर करूं। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की, और वेलकम करते हैं तमाम सुनने वालों को जो लोग इस वक्त हमें उर्दू मज़ल लॉबी भी सुन रहे हैं और यूट्यूब पर भी सुन रहे हैं। और अगर आप लोगों के पास ऐसी कोई स्टोरीज मौजूद हैं तो आप वो हमसे शेयर कर सकते हैं। ईशा अली ने ज्वाइन किया, इनको वेलकम करते हैं। फैलकन हमारे साथ मौजूद हैं, इनको भी वेलकम करते हैं। एलिनोरा भी आ गई, अलीजे भी आ गई, इनको वेलकम करते हैं। हसल, जालिमा एंड गोस्ट, प्रेम, आप सबको वेलकम करते हैं। मिस बारिश हमारे साथ हैं, इनको वेलकम करते हैं। चाहत को वेलकम करते हैं। पाकिस्तानी आरजे भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनको भी वेलकम करते हैं। एंड द रेस्ट ऑफ द पीपल, जो लोग हमें सुन रहे हैं आउटसाइड ऑफ द यूएमएल छुपकर, उनको भी वेलकम करते हैं, चाहे वो कोई भूत हो, चुड़ैल हो या फिर कोई और मखलूक। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम मोटिक्स भाई, मेरा नाम अरीब है और मैं रावला कोट का रहने वाला हूँ। मैं अभी कुछ अरसा हुआ है इस्लामाबाद में आया हूँ, तो मैं आपसे अपने एक रिलेटिव की स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। आज से तकरीबन 4 साल पहले जब हम गांव में थे तो हमारे घर के साथ ही हमारे रिलेटिव का घर था। वो एक कंपनी में काम करते थे जिसकी टाइमिंग 9 से 8 बजे तक की थी। मैं आपको बताता चलूँ कि अगर रावला कोट कोई आया हो तो उसको पता होगा कि वहाँ किस कदर सुनसान जगहें हैं। तो हुआ कुछ यूं कि हमारा रिलेटिव एक दिन अपनी कंपनी में काम ज़्यादा होने की वजह से लेट हो गए थे और उन्हें रात के 10 बज गए थे। तो उनके पास एक मेहरान कार होती थी जिसमें सफ़र करते थे। वो रात 10 बजे अपनी कंपनी से निकले तो पहले उन्होंने अपनी फैमिली, जिसमें उनके 3 बच्चे थे और एक वाइफ थी, उन्हें कॉल करके अपनी खैरियत बताई और घर के लिए रवाना हो गए।
हमारे गांव में जितने भी बाजार या कोई कंपनी वगैरह है वो घर से कम 1 किलोमीटर दूर है। तो हमारे जो रिलेटिव थे वो लेट होने की वजह से आज एक शॉर्ट रास्ते से अपने घर की तरफ आए ताकि जल्दी घर पहुंच सके। तो वो एरिया बहुत सुनसान है, हम वहां से दिन में भी गुजरने से डरते थे, जबकि हम 5 या 6 दोस्त इकट्ठे जाते थे। तो आप खुद सोच सकते हैं वो किस कदर खौफनाक जगह होगी। तो रात को तो वहां एक दम खामोशी थी और वो कार तेज ड्राइव कर रहे थे। इतने में एक बहुत ही खूबसूरत औरत ने उनकी कार के सामने हाथ हिलाया और उनसे लिफ्ट मांगी। उन्होंने उसे देखा और फौरन गाड़ी रोक दी और सोचा कि ये बेचारी लड़की क्या पता किस वजह से इस खौफनाक जगह में फंस गई है या रास्ता भटक गई है। तो उन्होंने उस लड़की से पूछा कि आप इतनी रात को कहाँ जा रही हैं और वो भी अकेली। तो उसने आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया उनकी बात का और एक प्यारी सी आवाज़ में कहा कि मुझे प्लीज़ आगे तक छोड़ दें, मैं बाजार गई थी और आते आते रात हो गई है, और प्लीज़ मुझे आगे आबादी तक छोड़ दें। तो इतने में उन्होंने अपनी कार का डोर ओपन किया और उसको पीछे बैठने का कहा और कार ड्राइव करने लगे। तो अभी 6 से 7 मिनट ही हुए थे कि पीछे से एक गाड़ी की लाइट उनके साइड मिरर पर पड़ी। तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वो एक गाड़ी थी जो बहुत तेजी से उनकी कार के पास से गुजर गई थी। तो मिरर से पीछे ही देख रहे थे कि इतने में उनकी नजर उस लड़की के पाँव में पड़ी। जब उनकी नजर उस लड़की के पाँव पर पड़ी तो वो क्या देखते हैं कि उस लड़की के पैर बिल्कुल उल्टे थे। तो मेरे वो रिलेटिव बहुत डर गए और उन्होंने उसको कुछ रियलाइज नहीं करवाया कि वो सब जान चुके हैं। मतलब उन्होंने ये जाहिर नहीं करा कि उनको पता चल गया है कि उनके पीछे जो लड़की बैठी है वो एक चुड़ैल है। वो कार ड्राइव कर रहे थे कि सामने से उन्हें एक और लड़की रोड के किनारे जाते हुए दिखी। तो उन्होंने कहा कि इस मखलूक के साथ अकेले मैं मर जाऊंगा। तो उन्होंने उस लड़की के सामने गाड़ी रोकी और उससे कहा कि आओ मैं आपको आगे तक छोड़ दूं। उस लड़की ने एग्री किया और पीछे बैठने लगी। तो उन्होंने उसको आगे बैठने को कहा तो वो उनकी बात मानकर आगे बैठ गई। इतने में उन्होंने लड़की को इशारा किया कि पीछे बैठी लड़की के पांव देखो। तो उसने उस लड़की के पांव देखे और खामोशी से आगे मुड़ गई। तो उन्होंने पूछा कि तुमने देखा कि उस लड़की के पांव उल्टे हैं। तो इतने में उस लड़की ने एक दिल दहला देने वाली बात कही और कहा कि नीचे देखो, क्या उसके पांव और मेरे पांव इसी तरह उल्टे हैं। वोटिक्स भाई, वो इस तरह हो गए थे कि जैसे उनके जिस्म में जान ही नहीं हो और उन्होंने गाड़ी का स्टीयरिंग ऑलमोस्ट छोड़ दिया था और उन्होंने फौरन ब्रेक लगाई। और जब मुड़कर उनकी शक्ल देखी तरफ देखा तो उनकी शक्ल बहुत खौफनाक बन चुकी थी और वो देखकर खामोश हो गए। और जब रात के 2 बजे भी वो घर नहीं आए तो उनकी वाइफ वो हमारे घर आई और उन्होंने उनका ना आने का हमें बताया। तो हम उसी रास्ते पर उन्हें ढूंढने चल पड़े और खुशकिस्मती से वो हमें मिल गए। मगर जब मिले तो उनकी कार के दोनों दरवाजे पर इसी तरह के निशान थे कि जैसे किसी ने बड़े नाखूनों से इस तरह के निशान बनाए हैं, और वो अंकल खुद गाड़ी में बेहोश पड़े थे। तो हमने उन्हें उठाया और घर लेकर आए, होश नहीं आया। बिला आखिर उन्होंने बहुत दम दरूद करवाया और डॉक्टर को दिखाने के लिए बाद दूसरे दिन होश आया। और जब होश आया तो उन्होंने अपनी पूरी स्टोरी हमें सुनाई और इस हादसे के 4 दिन के बाद उनकी डेथ हो गई। तो वोट इज भाई, ये थी मेरी एक छोटी सी स्टोरी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। बाज़ औक़ात जब हमारा वास्ता इन मखलूकों से पड़ता है तो बंदा या बंदी अपने होश में नहीं रहते, जिसकी वजह से वो एक गहरे सदमे में चले जाते हैं या फिर उनकी शक्ल इतनी खौफनाक होती है कि शायद उसको भूल जाना ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है। अल्लाह ताला इन अंकल की मगफिरत फरमाए, आमीन, मेरी यही दुआ है। वेलकम करते हैं सबको हॉरर स्टोरीज विद आर रोबोटिक्स के साथ ओनली ऑन UML। बढ़ते हैं अपनी एक और स्टोरी की तरफ। हाँ
अस्सलाम वालेकुम मोटिक्स भाई, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, अल्लाह आपको सेहत दें। मैं आपकी स्टोरीज बहुत शौक से सुनता हूं और तकरीबन 1 वीक हो गया है आपके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किए हुए। मैं अपनी स्टोरी आपसे शेयर करना चाहता हूं। आज से तकरीबन 10 साल पहले जब मैं 9 या 10 एज में होऊंगा, या 9 या 10 साल का था, अब तो इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं होती, उस टाइम तो सर्दी बहुत ज़्यादा होती थी। और हम लोग गांव में रहते थे, जहाँ पर पानी होता था वहाँ पर 1 इंच मोटी बर्फ जम जाती थी। तो मैंने सुबह सुबह स्कूल जाना होता था तो मसला होता था। मैंने अब्बू से कहा कि सबके पास शॉल्स होती हैं, मुझे भी एक लेकर दें। अब्बू ने कहा ठीक है, ले देता हूँ, कोई मसला नहीं। अब्बू शॉल लेकर आए तो वो डेली ऊपर लेकर स्कूल जाता रहा। और फिर एक दिन वापसी पर मुझे देर हो गई, मैं अपने दोस्त के पास रुक गया था। हमारे स्कूल के रास्ते में एक बहुत बड़ी बेरी थी, यानी बेरी का पेड़ था, जो उस रास्ते से थोड़ा हट के थी, तो सब उसके नीचे से बेर खाने के लिए चले गए। तो मैंने कहा कि चलो मैं भी जाता हूँ, और वहाँ जाकर मैंने बैग और शॉल साइड पर रखी, बेर वगैरह खाए और मैं वापस घर आ गया और शॉल उधर ही भूल गया। तो रात को मुझे याद आया कि मैं तो शॉल वहाँ पर भूल आया हूँ। उस टाइम रात के 10 बज रहे थे। मैंने सोचा कि अगर अब्बू को पता चल गया तो डांट पड़ेगी, अभी कुछ दिन पहले ही तो वो लेकर उन्होंने दी है और मैंने घुमा भी दी है, तो मैं अभी जाकर ले आता हूँ, कोई मसला नहीं है। वो बेरी का दरख्त हमारे घर से काफ़ी दूर था और वो बेरी का दरख्त काफ़ी पुरेसरार भी था, यानी कुछ था उस दरख्त पर। बहुत डरावना था, मगर दिन में वहाँ पर डर नहीं लगता था, लेकिन रात के वक्त वहाँ बहुत खौफ आता था। तो मैंने सोचा कि मैं चला जाता हूँ। और जब मैं वहाँ पर गया तो वहाँ पर कीनू का बाग भी था। सर्दियों के दिन थे, धुंध भी थी। जब मैं शॉल उठाने गया तो मैंने वहाँ पर एक लड़की को देखा जो मुझे कहती है कि जाहिद, ये आपकी चादर है? मैंने कहा कि आप कौन हैं? तो वो कहती है कि मैंने आपको काफ़ी दफ़ा देखा है यहाँ आते हुए, आप बहुत अच्छे लगते हो, मुझे बाकी लड़के बहुत गंदे हैं। मैं डर गया कि पता नहीं ये कौन है, मैंने घर में किसी को नहीं बताया। सुबह मुझे तेज़ बुखार था, अम्मी भी परेशान हो गई और बाकी घर वाले भी, तो मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गया और 6-7 माह तक भी मैं स्कूल ना जा सका। फिर मैंने वहाँ पर एक साहिब इल्म को दिखाया तो उन्होंने बताया कि इस पर किसी का साया है जो इसको कभी नहीं छोड़ेगा, इसके साथ ही रहेगा। उन्होंने तावीज़ वगैरह दिए और दम किया, कुछ बेहतर हो गया। मेरी शादी भी हुई है और मेरी एक छोटी बेटी भी है, अभी मेरी एज 23 है। इन चीज़ों की वजह से मेरी शादी भी टूट गई है, बीवी को भी डिवोर्स दे दी है और घर वालों से भी लड़ाई हो गई है। अभी मैं अकेला रहता हूँ लाहौर में और कॉल सेंटर में जॉब करता हूँ। तो ये थी मेरी एक स्टोरी, इसे अपने प्रोग्राम में लाजमी शामिल कीजिएगा, बहुत शुक्रिया। हाशमी ने ज्वाइन किया, हाशमी को वेलकम करते हैं और अपने बढ़ते हैं लास्ट स्टोरी की तरफ, जो कि आज के हमारे शो की लास्ट स्टोरी होगी। एलिनोर कह रही है आरजे उसको बस आप अच्छे लगे, इसीलिए बस आप, क्या बात है। ओके, हम जल्दी से लास्ट स्टोरी पढ़ते हैं और फिर चलते हैं। आप सबसे इजाजत चाहते हैं, हमारी लास्ट स्टोरी में आप लोग शामिल रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम मोटिक्स भाई, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपसे एक स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ, ये वाकया मेरे और मेरे दोस्त के साथ पेश आया। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये स्टोरी आप अपने चैनल पर ज़रूर अपलोड करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। मेरा नाम टीपू है, मैं इंडिया से हूँ, इंडिया में फतेहगढ़ से हूँ। ये बात 2020 की है, जब मैं और मेरा दोस्त जिसका नाम तनवीर है, हम लोग रात को घूम रहे थे। घूमते घूमते कब्रिस्तान तक पहुँच गए, हालांकि कब्रिस्तान थोड़ा दूर था। तनवीर मेरा दोस्त बोला, मुझे यहाँ डर लग रहा है, क्योंकि वो जगह पूरी सुनसान थी और मेरा दोस्त सिगरेट निकालता है और हम एक जगह खड़े हो गए। दोस्त सिगरेट पी रहा था तो हमारी नज़र कब्रिस्तान की तरफ पड़ी, देखा कि एक लड़की है जो खड़ी है अकेले रोड पर, और कब्रिस्तान के पास ही रोड था। और लड़की को वहां पर खड़ा देखकर मेरा दोस्त डर गया, बोला ये अकेले यहाँ क्या कर रही है? मैंने बोला किसी का वेट कर रही होगी। फिर वो लड़की हमारी तरफ आने लगी, आते आते वो फिर बीच में रुक गई, और जैसा कि मैंने बताया कि मेरा दोस्त तनवीर डरपोक था, उसे डर लग रहा था, तो बोला टीपू यहाँ से चलते हैं। मैंने कहा नहीं, ये आओ देखते हैं ये कौन है।
फिर अचानक लड़की आगे आने लगी और आकर हमसे थोड़ा दूर आकर खड़ी हो गई। अंधेरा ज़्यादा था इसलिए हमें चेहरा नज़र नहीं दिखाई दे रहा था, तो मैं अपने दोस्त के मोबाइल की फ्लैश लाइट उसको ऑन करने का बोलता हूँ और वो फ्लैश लाइट ऑन करता है, लेकिन मेरा दोस्त डर के मारे कांप रहा था। लेकिन हिम्मत करके हम दोनों उसके करीब गए। ये बोलते बोलते, कौन हो आप और कहाँ जाना है आपको? लेकिन वो जवाब नहीं दे रही थी। जैसे ही हम करीब गए, ये देखकर मेरी रूह कांप गई। हम लोग देखते हैं कि उसके पांव उल्टे हैं और चेहरा बिल्कुल काला। मेरा दोस्त तनवीर ये सब देखकर फौरन ही वहीं बेहोश हो गया डर से, और अब मैं अकेला रह गया। मैं डर के मारे आयतें पढ़ने लगा और मैंने भी कांपना शुरू कर दिया था। आयतें पढ़ना शुरू की तो वो लड़की वहां से गायब हो गई, मगर मेरा दोस्त बेहोश पड़ा था और मेरी हालत भी ठीक नहीं थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने अपने दोस्त को कॉल की कि जिनके नाम शिफान एंड फैजान था, दोनों को बाइक लेकर आने का बोला कि जल्दी कब्रिस्तान आ जाओ। वो लोग मेरी आवाज़ सुनकर फौरन वहां आ गए, क्योंकि मेरी आवाज़ बहुत कांप रही थी और वो लोग समझ गए थे कि कुछ गड़बड़ है। मैं इतना डर चुका था कि बाइक लेकर मेरे दोस्त आ गए और पूछने लगे कि क्या हुआ, यहाँ क्यों खड़े हो? तो मैंने कहा, सब कुछ बताऊंगा, पहले यहाँ से तनवीर को उठाकर निकलते हैं और इसको घर ड्रॉप करते हैं, पहले यहाँ खड़ा होना जो है वो ठीक नहीं है। जैसे तैसे करके हमने तनवीर को घर छोड़ा और वहाँ जाकर उसके मुंह पर पानी छिड़का, मगर 1 घंटे बाद वो होश में आया। कमरे का दरवाज़ा खुला देख कर बोला, बंद करो दरवाज़ा, वो यहाँ भी आ जाएगी। होश में आने के बाद वो बहुत डर गया था और उसकी कई दिन तक तबीयत ख़राब थी। फिर 2 महीने में वो ठीक हुआ। तो वोटिक्स भाई, आज भी जब हम उस कब्रिस्तान वाले रास्ते से गुजरते हैं तो हमको बहुत खौफ आता है। तो ये थी मेरी और मेरे दोस्त की कहानी। उम्मीद करता हूँ आप लाजमी इसको शेयर करेंगे अपने लिसनर से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें स्टोरी शेयर की, और ऐसी ही स्टोरी हमसे शेयर किया करें ताकि हम अपने हॉरर शो में आप लोगों की वजह से इसको और बेटर कर सकें। शुक्रिया। स्टोरी शेयर करने के लिए हमारा ईमेल rjvortex@gmail.com या ऑडियो आवाज़ में अगर स्टोरी भेजना चाहते हैं तो शो के डिस्क्रिप्शन में नीचे व्हाट्सएप चैनल भी दिया है, आप उस पर भी अपनी स्टोरी हमको भेज सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी स्टोरीज। थैंक यू सो मच एवरीवन, द लिसनर्स, जितने लोग हमारे साथ मौजूद रहे उर्दू मजल लॉबी में, आप सबका बेहद शुक्रिया। हमारे साथ इस स्टोरी को सुनने वालों में नाम है एलियोनोरा, आपका भी थैंक यू। गोस्त, आपका भी थैंक यू। फैल्कन का थैंक यू। ब्रावो का थैंक यू। पाकिस्तानी का थैंक यू। मिस बारिश, आपका भी थैंक यू। एंड जालिमा का थैंक यू। कोड भी हमारे साथ है, आपका भी शुक्रिया। होप का भी शुक्रिया। इसके अलावा पाकिस्तानी भाई का भी शुक्रिया, और जितने रेस्ट ऑफ द पीपल मिस्रा हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रावो का भी शुक्रिया। प्रेम भाई का भी शुक्रिया। हाशमी का भी शुक्रिया, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया था। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह पाक आपको इन तमाम मखलूकों से महफूज रखे। और ये स्टोरी सुनाने का मकसद सिर्फ आपको खबरदार करना होता है, ना कि आपको डराना, क्योंकि डर तो इंसान को खुद ही लगता है। उस आरजे बहुत मजे का शो था। थैंक यू सो मच एवरीवन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट शो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। साइनिंग आउट फ्रॉम द रेडियो एंड हैव अ नाइस वीकेंड। In truth, it was I who was betrayed.